नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम में, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर इस बहस में। दोस्तों, 57 सीटें, छठा चरण। आज शाम को जो चुनाव प्रचार है वो बंद हो जाएगा और परसों वोटिंग होगी। बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं इसमें, और इसमें हरियाणा की 10 सीटें हैं और दिल्ली की भी 7 सीटें हैं। इसके अलावा कुछ और सीटें जो कि इस चुनाव में जा रही है, टोटल 57 में से, वो इस प्रकार हैं। इसमें बिहार की कुल मिला के 8 सीटें हैं, इसके बाद झारखंड की 4 सीटें हैं, हरियाणा की पूरी 10 की 10 सीटें इस दौर में हैं, उड़ीसा की 6 सीटें हैं। ये सारे जो मैप के अंदर जो डार्क ब्लू कलर है वो जो जा रहा है यहाँ पर चुनाव के लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आप पूर्वांचल में चले जाए तो वहां पे डार्क ब्लू में देखेंगे यहाँ पर 14 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में डार्क ब्लू बिल्कुल बॉटम पे 8 सीटें हैं, और दिल्ली की ये 7 सीटें हैं यहाँ पर ये चुनाव में जा रही है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 57 सीटों में से बहुत सारी सीटें ऐसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जोल्ट मिलने जा रहा है। इसमें एक 35 सीटों का ब्लॉक है जो कि छठे और सातवें चरण का है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और चंडीगढ़ का है, और वहां पे 35 में से 24 सीटें भाजपा के पास थी या एनडीए के पास थी। वो अब इस बार खिसकती हुई आपको नजर आएंगी, क्योंकि वो काउंट गिरकर उन 35 में से देखा जाए तो 35 में से 24 है गिरकर 8 पर आता है, 9 पर आता हुआ नजर आएगा आपको। दिल्ली में लॉसेज है, हरियाणा में लॉसेज है, पंजाब में तो 2 सीटें थी उनके पास, वो पूरे लॉस हो जाएगा, और हिमाचल के अंदर एक मैसिव लॉसेज है। 4 सीटें टोटल हैं और चारों उनके पास थी, अगर 4 में से 2 से 3 सीटें उनसे खिसक रही हैं तो आप यकीन मानिए कि ये मैसिव लॉस है हिमाचल में। और चंडीगढ़ की सीट भी मनीष तिवारी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये बात तो सही है कि जो हमारे पास सीटों का आंकड़ा है 14 का, इसमें सुल्तानपुर तो खैर मेनका गांधी की सीट है, लेकिन प्रतापगढ़, फूलपुर, अलाहाबाद, अंबिकानगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और मछली शहर और भदोही है। जबकि बंगाल में तुमलुक, कांठी, घाटल, झारग्राम, मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा और विष्णुपुर है। दिल्ली की 7 सीटें हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है। ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लॉसेज है वो बंगाल से भी और बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश से बढ़ेंगे, इसके अलावा उड़ीसा की 6 सीटें, यानी कि अभी तक सिर्फ 21 में से कुल मिला के 9 सीटों का चुनाव हुआ था, अब 12 सीटें बाकी हैं। लेकिन इन 12 सीटों में जो 6 सीटें परसों चुनाव के लिए जा रही हैं, उसमें एक सीट जगन्नाथपुरी की भी है। वो जगन्नाथपुरी जहां पर संबित पात्रा खड़े हैं और जिन्होंने भगवान के बारे में बहुत भला बुरा कहा और बता दिया कि जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, तो एक्चुअली उन्होंने अपनी हार के ऊपर ठप्पा लगवा लिया। तो आप समझ लीजिएगा पुरी के लोग किस ढंग से मतदान करेंगे कि वो जो व्यक्ति इस किस्म का पाप कर्म करे उसको तो जो भक्त लोग हैं हमारे उड़ीसा के, जो उड़ीसा उड़िया अस्मिता को लेके प्रश्न करते हैं, वो बिल्कुल जीतने नहीं देंगे। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ छठे चरण के ऊपर गुजरात से राजेश ठाकर जी, सर स्वागत है आपका। दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी, सर आपका भी स्वागत है। मध्य प्रदेश से डॉक्टर अपना राकेश अचल जी, सर आपका स्वागत है। और गिरीश भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी पहले, अपना राजेश जी पहले आपके पास ही आ जाता हूं मैं, और फिर मैं उसके बाद राकेश जी के पास आऊंगा। आपके हिसाब से छठे चरण में 57 सीटें एक वाटर लूसी बनती नजर आ रही हैं। भाजपा के पास काफी सीटें हैं इसके अंदर, काफी बड़ी संख्या में सीटें हैं, लेकिन मुझे ये प्रतीत होता है कि हर गुजरते चरण के साथ भाजपा का लॉस बढ़ता चला जा रहा है और मेजर लॉसेस दिल्ली और हरियाणा से इमर्ज होकर आ रहे हैं। मैं अभी हरियाणा, अपना उत्तर प्रदेश और बंगाल की तो बात ही नहीं करूंगा, उड़ीसा की तो बात ही नहीं करूंगा, लेकिन मेजर लॉसेस दिल्ली और हरियाणा से निकल राजेश। बिल्कुल, ये जो फेस है उसमें दिल्ली हरियाणा के साथ साथ बिहार में भी जो स्थिति है वो भाजपा की, वो ना 14 की है ना 19 की है। और दिल्ली और हरियाणा जो है जिसमें उनके पास सारी सीटें थी, वो स्थिति जो है हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं है। हरियाणा में तो हो सकता है बिल्कुल उल्टा परिणाम हो जाए, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद उनके जो पार्टनर्स थे उसके वो उनसे छोड़ के चले गए हैं, और जो स्थिति वहां पर बनी हुई है सरकार पर भी जो है संकट बना हुआ है। तो जो स्थिति हरियाणा में है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। दिल्ली में जो है उन्होंने अपने पैर पर कुहाड़ी मार ली, एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ हो गया, और उसके बाद
जो इन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक के बाद एक जो कदम उठाए और उससे एक सिंपति जो है वो केजरीवाल की तरफ जाती दिख रही है। पहले हम देख रहे थे कि दिल्ली के अंदर असेंबली इलेक्शन में और सेंट्रल इलेक्शन में लोग अलग अलग मैंडेट देते थे कि भाई यहाँ पर केजरीवाल, ऊपर जो है मोदी, लेकिन केजरीवाल को काम करने से जिस प्रकार से रोका जा रहा है तो दिल्ली के लोग ये समझने लगे हैं कि भाई प्रदेश में वो अच्छा कर रहा है तो उसको क्यों आप जो है वो परेशान कर रहे हो। तो हमने आपको तो जो है 14 में भी वोट दिया है, 19 में भी वोट दिया है, तो मतदाताओं के साथ जो है आप ये व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये केजरीवाल के साथ जो व्यवहार है वो परोक्ष रूप से उनके मतदाताओं या उनके समर्थकों के साथ किया गया व्यवहार है कि भाई जो हम चाहेंगे वही लोग राज करेंगे। ये जो स्थिति बनी है दिल्ली में उससे एक अलग स्थिति है। ग्राउंड लेवल पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। आपने देखा कि कन्हैया कुमार की सीट पर कल केजरीवाल ने भी रोड शो किया और राहुल गांधी ने भी उनके जो एरिया है उसके अंदर काम किया। जयप्रकाश अग्रवाल के लिए भी केजरीवाल ने वहां पर जो है वो प्रचार किया। तो दोनों जो है एक दूसरे को पूरक कर रहे हैं। तो उससे स्थिति ये बनी हुई है कि जो बिखरे हुए वोट थे 19 में वो एक साथ आ गए हैं और एंटी इनकम्बेंसी जो है वो केंद्र सरकार की जो है वो उसके अंदर ऐड हो रही है। तो दिल्ली में बिल्कुल ये स्थिति नहीं है, हरियाणा में भी ये स्थिति नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान जहां पर जो 18 सीटें पिछली बार भारतीय जनता 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी उसमें से 2 या 3 सीटें बचे तो बचे, ये स्थिति इसमें बन रही है। हम बिहार की पहले से बात कर रहे हैं, बिहार में जो हुआ उसके बाद जो वोट प्रतिशत सबसे कम जिस स्टेट के अंदर हो रहे उसमें बिहार और महाराष्ट्र 2 है। उसका मतलब कि उनका कोर वोटर जो है बाहर नहीं निकल रहा, उनका जो संगठन है वो काम नहीं कर रहा, आरएसएस जो है वो उनको मदद नहीं कर रहा। और पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक यही स्थिति बनी रहनी कि भाई वोट जो है वो करवा नहीं हो रहा है ज्यादा। तो ये सीधा है, जब हम बार बार ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा संगठन है कि उसके जो वोटर्स है उसको वो किसी भी तरह से ईवीएम तक खींच कर ले जाते हैं, लेकिन ये 2 राज्य में ये नहीं हो रहा। उसका मतलब कि उनका संगठन काम नहीं कर रहा, या तो काम कर रहा है तो लोग जो है उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो बिहार भी एक महत्वपूर्ण राज्य है इस फेस का। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बातें आ रही है और अखिलेश और राहुल गांधी को जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है उनकी सभाओं में, बहुत सारी भीड़ जो है वो उमट रही है, उनको उनके साथ तस्वीरें खींचने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग जो है वो एक बॉलीवुड स्टार हो इसी तरह से जो है अखिलेश और राहुल गांधी के पीछे दौड़ रहे हैं। तो दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी वो स्थिति नहीं है और उसमें भी उनका जो अंदरूनी झगड़ा जो गुजरात में था इसी प्रकार का सेकंड कैडर की फाइट एक जो अभी से शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी में वो भी वहां पर है। सोशल इंजीनियरिंग जिस प्रकार से किया है इंडिया गठबंधन ने उसका भी लाभ उसको होता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो अब के जो 2 फेस है वो दोनों फेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हुआ क्या है कि पहले फेस में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश दूसरे फेस में की भाजपा ने और नरेंद्र मोदी ने, लेकिन जो दाव दिया वो उल्टा पड़ गया। जो भी मुद्दे उन्होंने चलाए वो मुद्दे या तो हास्यास्पद हो गए या तो उस मुद्दों के खिलाफ एक दूसरा नैरेटिव खड़ा हो गया। तो पहले चरण से जो है वो जो प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को किसी एक मुद्दे पर खींच के ले जाने की, वो नहीं हो रहा है। भावनात्मक जो उबाल है वो लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश है वो भी जो है असफल इनकी हो रही है। दूसरे जो उनके जो मुद्दे थे गवर्नेंस को लेके या विश्व गुरु बनने के या बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने की बातें थी वो सारे जो है वो धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। जो वो 15 लाख वाला जुमला वो दूसरी तरह से ये लाए हैं कि भ्रष्टाचार के पैसे वापिस ला के हम जो है लोगों को दे देंगे, हम कानूनी सलाह उससे ले रहे हैं, तो ये भी जो है वो बहुत कुछ चलता नहीं दिख रहा। तो ना उनका मैनिफेस्टो चल रहा है, ना उनका 10 साल का परफॉर्मेंस चल रहा है, ना उनका हिंदुत्व चल रहा है, ना जो है उनका मोदी का चेहरा चल रहा है, ना उनका नेतृत्व चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव में फेस टू फेस ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहे हैं, और सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग हैं जिसको वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी न प्रकार से सत्ता में आए वो भी ये कह रहे हैं
कि जो है हम सत्ता में आएंगे 270 से आए, अभी अभी ये कहना शुरू किया है कुछ मित्रों ने, 270 भी आएगी तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, तो हम सत्ता में आ रहे हैं, सीटों का आप छोड़ दीजिए कि 300 आएगी या 270 आएगी या 280 आएगी, हम सत्ता में वापिस आ रहे हैं। यहां तक ये लोग आए गए जहां पर 400 की बातें हो रही थी और विपक्ष बिल्कुल दिख नहीं रहा था। जब चुनाव की घोषणाएं हुई उस वक्त जो है हम यही बात कर रहे थे कि भाई विपक्ष के पास क्या है, कुछ नहीं है और मुकाबला जो है सिंगल वे जा रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि अब जो चुनाव है बिल्कुल टक्कर का चुनाव हो गया है और कोई ये दावे के साथ आज की डेट में कह नहीं सक रहा कि नरेंद्र मोदी वापिस आ रहे हैं या जो है इंडिया गठबंधन की सत्ता बन रही है। तो इस बीच में पूरा चुनाव जो है वो फंसा हुआ है। तो बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद का जो आखिरी 1 जून का है उसमें भी पंजाब और दूसरी सीटें हैं, तो ये दोनों फेस जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए गेन करने के लिए कोशिश करें ऐसे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है जो स्थिति आज की बनी हुई है वर्तमान स्थिति में, ये लग नहीं रहा कि पिछले बार का जो उनका परफॉर्मेंस था उसको वो रिपीट कर पाएंगे, उससे नीचा ही जाएंगे। राकेश जी के पास आता हूं मैं।